हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि अगर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी भी वजह से कैंसिल कर दिया गया है और जीएसटी कैंसिलेशन का हमारे पास नोटिस आ चुका है। देखिए, व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर पे मैं जाती हूँ। ये जो पर्सन है, इसका ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन आया है कब? 21/4/2023 को, ठीक है जी। तो ये ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन इनका आया है। इस ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन को रिवॉक करने के लिए हमें क्या करना है, यानी रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन हमें किस तरीके से फाइल करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे जाके किस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ जाके हमने क्लिक कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप रेवोकेशन फाइल करेंगे तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स हैं वो अब तक के जीएसटी रिटर्न्स आपने फाइल कर दी हो। तो देखिए, मैं मार्च के रिटर्न यहाँ पे चेक करूँगी। मार्च के रिटर्न मैं ऑलरेडी फाइल यहाँ पे कर चुकी हूँ, R1B 3B, यानी कोई भी जीएसटी रिटर्न आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ सर्विसेज पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे रेवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए, जो इसका असेसी का डाटा है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ रीज़न फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यानी किस रीज़न से आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको रेवोकेशन कर देंगे कैंसिलेशन के ऊपर, तो हमें वो डालना है। देखिए, इस असेसी का जो बैंक अकाउंट था वो इसने सबमिट नहीं किया था, इस वजह से कैंसिलेशन लगा दिया। और बैंक अकाउंट मैंने अब जो है वो अपडेट कर दिया है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आई वॉज अनेबल टू सबमिट द बैंक अकाउंट ऑन टाइमली बेसिस, बट नाउ आई सबमिट द बैंक अकाउंट। ये इसको मैं अपडेट लिख देती हूँ, आई अपडेटेड द बैंक अकाउंट ऑन जीएसटी पोर्टल, ठीक है जी। सो प्लीज रिवोक माय रिवोक कैंसिलेशन ऑफ माई जीएसटी नंबर, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड एक्शन। तो आपने जो भी इसमें लिखना हो वो लिख सकते हैं, जिस बेस पे आपका कैंसिल किया गया है उस बेस पे आप यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं। कोई आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन पे, ऑथराइज सिग्नेट जो सिग्नेटरी है वो सिलेक्ट करेंगे, प्लेस सिलेक्ट कीजिए और इस फॉर्म को ईवीसी के साथ सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी आता है, ओटीपी आप एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर होने के बाद आपके पास क्या होगा, एआरएन जनरेट हो जाएगा। ये ओटीपी हमारे पास आ गया, ओटीपी मैंने डाल दिया और ये रेवोकेशन की जो आपकी एप्लीकेशन है ये सबमिट हो चुकी है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो रजिस्ट्रेशन पे जाके ट्रैक एप्लीकेशन पे आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई या नहीं हुई। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।